नमस्कार, आप देख रहे इंडियन प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकार से कर सकेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शिकायत। आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। प्रशिक्षण वर्ग में मिलेगा निकाय चुनाव जीतने का मंत्र। फिल्म कंतारा ने KGF 1 को पीछे छोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया यूजर्स अब जल्द ही ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की केंद्र सरकार से शिकायत कर सकेंगे। सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवास कमेटी का गठन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। वहीं इन कमेटियों को बनाने को लेकर पिछले साल से ही कवायद चल रही थी। IT मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियों से इस विषय पर बैठकें भी की। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान ट्विटर ने सरकार की शिकायतों पर ये कहते हुए ध्यान देने से मना कर दिया कि उस पर भारत के कानून लागू नहीं होते। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार शाम को रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्यवाही की। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई। वहीं गुरुवार को ही आजम खां को हेड स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तो तय था, मगर सजा के आपराधिक कॉपी मिलने के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर विधानसभा की सीट को रिक्त घोषित किया। अब 6 महीने के भीतर रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। निकाय चुनाव में UP से ज्यादा सीटें निकालने के लिए भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। इस कड़ी में अब 30 अक्टूबर को भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के पिछड़ों वर्ग का प्रशिक्षण वर्ग कानपुर में आयोजित होगा। इस मोर्चे में प्रदेश अध्यक्ष एवं यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, मनोज राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। निकाय चुनाव को भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देख रही है। यही कारण है कि यूपी से लेकर केंद्र तक के पदाधिकारियों, मंत्री और संघ इन चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं। फिल्म कंतारा आए दिन नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अब हाल में ही KGF चैप्टर 1 को पीछे छोड़ते हुए कन्नड़ इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। फिल्म ने 250 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। कंतारा के पहले सिर्फ KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 ने ही 250 करोड़ की कमाई की थी। अब ओवरऑल कमाई की बात की जाए तो कंतारा के आगे सिर्फ KGF चैप्टर 2 ही है। हालांकि KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि फिल्म भी एक छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद इतना बड़ा कलेक्शन करने का अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।